22 रुपए से स्टार्टिंग होना है, 22 रुपीज। राइट सर, हमारे यहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह से पूरी पॉलीमर वगैरह डाल के स्लीपर तैयार होती है, इसका 10 मिनट का प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये प्रेस है, उसे सीटें बन के निकलती है, एक टेम्परेचर सेट होता है, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंगली निकलती है बाहर। और सर मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है, मतलब ये सोल है काफी अच्छा भी लग रहा है इसका। मतलब जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है आजकल, आपने देखा हुआ ऑनलाइन, उस टाइप के सारे डिजाइन अवेलेबल है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। यहां मैं आया हूं आज एक स्लीपर्स की एक फैक्ट्री के अंदर, जहां से आप स्लीपर्स बाय कर सकते हैं अपनी दुकान के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको होलसेल के अंदर मिलेगा, तो प्लीज डिटेल के लिए फोन मत कीजिएगा, सिंगल पीस के अंदर डील नहीं करते हैं। नरेला, जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहीं पर मैं आ चुका हूँ। और आशीष जी मेरे साथ इस वक्त, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, क्या दिखाने वाले सर? हम व्यूअर्स को सर अपनी पूरी फैक्ट्री विजिट करा सकते जी। और सर आप स्लीपर्स के अंदर आप डील करते हैं, आप मटेरियल भी साथ में देते हैं? हाँ जी, मटेरियल रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है, जो स्लीपर्स बनाने के लिए काम आता है। और अगर मैं स्टार्टिंग रेंज की बात करूँ, स्टार्टिंग रेंज क्या वाली है? स्टार्टिंग रेंज अगर स्लीपर्स के अंदर, स्लीपर अगर पूरी आप लेते हैं और एक कार्टन में हमारी मतलब 144 प्लेयर होता है, ये 7,000 से 8,000 तक कार्टन पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको फुल जानकारी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप उसका मेन पॉइंट मिस कर देंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फैक्ट्री एक बार किस तरीके से काम होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा कि किस रेट में आपको जो सैंपल्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह से पूरी पॉलीमर वगैरह डाल के स्लीपर तैयार होती है, ये मशीनरी है जिसमें मिक्सिंग होता है केमिकल्स। केमिकल मिक्सिंग होने के बाद पूरा का पूरा बैच तैयार होता है, बैच हम निकाल के उसके बाद आगे चलते हैं, फ्लोर की मशीन से चलते हैं। यहाँ पे गेजिंग होता है, जो मटेरियल वहाँ से निकला एक मिक्सिंग मशीन से, यहाँ पे उसको क्लीन करा जाता है, बिल्कुल क्लीन होकर बाहर निकलता है। 10 मिनट का प्रोसेस है इसका 10 मिनट का प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस तरीके से पूरा पूरा जो शीट है वो बन रही है इस वक्त, आपको स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, पूरा पूरा प्रोसेस करने वाला है। ये प्रेस है, उसमें सीटें बन के निकलती है, एक टेम्परेचर सेट होता है, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंगली निकलती है बाहर, इसके अंदर माल डाला जाता है, निकलती है। और यही नीचे अब आगे कटिंग डिपार्टमेंट में जाएगी और कटेगा माल, आप यहाँ लेके चलेंगे, आपको सीट कम्प्लीट हो चुकी है, आप नीचे कटिंग होगी वो प्रोसेस आपको दिखाया था। सीट्स है जी, और ये कटिंग होता है, ये पर सीट्स हैं, ये इस तरीके की शीट्स होती हैं, ठीक है, जो बन के पा रही है मशीनरी से जी, जी। और उसके बाद ये कटिंग करते हैं, ये कटिंग मशीन है, ये कटिंग इसमें से मतलब 18-20 जोड़े निकलते हैं, इसके अंदर 18-20 जोड़े निकल जाते हैं एक शीट के अंदर जेंट के जी। और उस तरीके से ये सोल तैयार हो गया जी, इस तरीके का जी। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है ड्रिलिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है, जो ड्रिलिंग यहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है, यहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है, देख सकते हैं मैं ड्रिलिंग आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से पूरी की पूरी ड्रिलिंग होती है। तो कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से स्लीपर कंप्लीट होती है, देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद ड्रिलिंग के बाद आगे जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है जी, वो प्रिंटिंग का आगे ये प्राइमर लगता है, इसके ऊपर एक केमिकल लगता है, केमिकल ताकि प्रिंटिंग को रोके, अच्छा प्रिंट जो इसके ऊपर जो लगाया है टेस्ट लगा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सोल प्रिंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये सोल प्रिंट किया गया है, हाँ जी, तीन से चार कलर की प्रिंटिंग कर सकते हो, दो कलर की कर सकते हो, कलर मतलब अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्रिंट यहाँ पर होते रहते हैं, ये अलग प्रिंट है, देख सकते हैं आप, ये अलग प्रिंट है, और यहाँ पर भी एक अलग प्रिंट चालू है, प्रिंटिंग वही है बस कलर चेंजिंग हो रहा है ना, तीन कलर हो गए ना, पेज सूख चुका है सर, हाँ जी, मतलब थोड़ा सा अभी रह गया जी जी जी, मतलब सूख जाता है बट टाइम, ठीक है। कटिंग और प्रिंटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिटिंग का है जी, फिटिंग के बाद आप पैकिंग कर सकते हैं इसको, पूरी चप्पल देखिए तैयार हो चुकी है, अच्छा हमारी जो स्लीपर है वो जो नीचे अभी प्रिंटिंग हो रहा था वही मतलब रेडी टू वेयर हो चुकी है, हाँ। अब इसको पैक कर देंगे, अब इसको पैकिंग की बारी, चलिए पैकिंग दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, ये जैसे आप देख सकते हैं पैकिंग के लिए तैयार हो चुका है, शाइनर वगैरह लगेगा जी, स्टीकर लगता है, उससे पहले धुलाई होता है इसका माल, अच्छा, माल पहले वॉश होगा, पहले वॉश होगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्टीकर लगाएंगे, स्टीकर लगाने के बाद जी शाइनर लगाते हैं, शाइनर के बाद इसको पॉलीथिन में डालते हैं, मतलब अब ये पॉलीथिन में जाने के लिए तैयार है और जो कस्टमर है उनके घर तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हैं जैसे ये 6 सेट का पेयर पैक हुआ है, अच्छा ये पूरा पैक हो चुका है, बिल्कुल 6 सेट का पेयर है, इसमें
तीन से चार साइज रहते हैं। ठीक है, एक उसमें एक बंडल के अंदर, एक ही सेट के अंदर जी, एक बंडल के अंदर। और फिर उसके बाद हम उस कार्टन में डालते हैं। ओके, इसके अंदर अगर बच्चे की हैं तो 300 जोड़ी रहती हैं। अच्छा, बच्चे की अगर आप स्लीपर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो बच्चे की लगभग 300 पीस जाएगी एक कार्टन के अंदर। एक कार्टन के अंदर जेंट्स का होगा तो 144 रहेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड पैकिंग है। अगर मैं सर अमाउंट की बात करता हूँ तो लगभग कितने अमाउंट में एक कार्टून तैयार हो जाता है? ये 7,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, 7 से 10,000 के बीच। 7,000 से 10,000 के बीच। ठीक है, मतलब दो कार्टून भी कोई घर बैठे अगर मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है। आप कुछ सर अपनी सैंपल्स दिखा दीजिए ये ऑफिस में। बिल्कुल आ जाइए, मैं ठीक है ऑफिस में ले चलता हूँ। आप ऑफिस की तो और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ सैंपल किस रेट्स में हमें क्या मिल जाता है। चलिए, तो अब आ चुके हैं हम इनके ऑफिस के अंदर। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स रखे हैं हमारे सामने, काफी सारे आर्टिकल्स हैं। सारे आर्टिकल्स मैं एक वीडियो के अंदर नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं ज्यादा तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ आप जाके इनसे डिटेल्स ले सकते हैं क्या प्रोडक्ट क्या प्राइस के अंदर आपको मिलने वाला है। फर्स्ट स्टार्टिंग रेंज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बच्चों की, जो कि सिर्फ 22 रुपए से स्टार्टिंग होना है, 22 रुपीज। राइट सर, 5 से 10। और इसका एक ऊपर साइज होता है 11 से 3 का। 11 से 3 वो 5 रुपए का डिफरेंस होता है, 5 रुपए ऐड होता है। रिटेल मार्केट में सर किस रेंज में बिक जाती है? अगर रिटेल की बात करें, रिटेल में सर 50 से प्लस ही बिकेगी। 50 प्लस बिकेगी, मतलब 60-70 वो आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। 100 रुपीज तक मतलब बेच ठीक है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता मार्केट के ऊपर, मार्केट है। इसके बाद क्या आर्टिकल दिखाना चाहेंगे सर आप? इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज के आइटम्स बड़ी जी, ये लेडीज के आइटम है, ये लेडीज कुछ आइटम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये क्या प्राइस होगा सर इनका? ये 35-36 रुपीज 35 स्टार्टिंग है। हाँ, मतलब इसे आप 100 प्लस में इजीली कह रहा हूँ। हाँ, ये तो आप आराम से 100 प्लस है। देखो ना आप इसमें MRP डालो 199 का जो है MRP डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसे बेच सकते हैं। ये आइटम जो है हमारे यहाँ पे 50 रुपीज की है और मुझे काफी कम्फर्टेबल लग रही है, मतलब सोल है काफी अच्छा भी लग रहा है इसका। जो पूरी फैंसी चप्पल आपको 35 रुपीज के अंदर, होलसेल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको मिनिमम दो कार्टून लेने पड़ेंगे जिनकी कॉस्ट अराउंड 15,000 के आसपास पड़ेगी। ठीक है, एक आइडिया, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इसके बाद यहाँ पर काफी सारे जेंट्स के आइटम जी, और अलग अलग डिजाइन के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इस टाइप की स्लीपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पूरी फैक्ट्री का मैंने आपको फुटेज दिखा दिया है किस तरीके से स्लीपर्स डिजाइन जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है आजकल, आपने देखा हुआ ऑनलाइन, उस टाइप के सारे डिजाइन अवेलेबल है यहाँ पर और सभी के ऊपर MRP डाली गई है रिटेल के लिए, जिससे आपको बेचने में आसानी रहेगी। इसके अलावा सर मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ इस टाइप की स्लीपर्स है, इनकी क्या कॉस्ट होगी? ये 50 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है, 50-55 रुपए के अंदर। और साइजेस की बात करो, अगर मैं साइजेस 6 to 9 रहते हैं इसमें, जेंट्स के साइज 6 से लेकर 9 तक। तो इसके अंदर साइज बढ़ेंगे तो कॉस्ट वगैरह कुछ बढ़ेगी? नहीं, साइज हमारा एक एवरेज बताते हैं, एवरेज कॉस्ट बता रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं, क्योंकि एक बंडल के अंदर चारों साइज आपको मिलेंगे, जैसे एक बंडल आप देख सकते हैं ऐसे बंडल बनते हैं, ये पूरा 6 पेयर का बंडल रहता है, 6 पेयर का बंडल, तो उसमें चारों साइज होते हैं। अगर जेंट्स है तो चारों साइज मिलेंगे, लेडीज है तो चारों साइज मिलेंगे, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से 5 से 10 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक साइज उसमें रहता है। ये भी लेडीज है सर? ये बिल्कुल लेडीज, आप देख सकते हैं डिजाइन, देखिए आप किसी भी बड़े ब्रांड से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस टाइप की आपको लाखों डिजाइन, लाखों वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये 50 से 55 की रेंज है, 50 से 55 रुपए की रेंज है। साइज आपको सारे मिल जाएगी, ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। पूरा सीधा फैक्ट्री लेकर आऊँ, कोई अगर आपके फैक्ट्री पर से विजिट करना चाहता है इस तरीके से आ सकता है। मेरा नंबर जी, तो उसमें मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना एड्रेस बता दूँ और आप आ सकते हैं। बिल्कुल नरेला में ही पड़ेगा आपको इंडस्ट्री एरिया। बिल्कुल। अच्छा सर, काफी सारे युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, उनके पास इन्वेस्ट के लिए पैसे तो हैं लेकिन वो सोच नहीं पाते कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें। अगर वो स्लीपर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग कितने रुपए से वो स्टार्टिंग कर सकते हैं बिजनेस? अगर उनकी कोई शॉप है तो सर वो तो हमसे 15,000 में भी कम शुरू कर सकते हैं। अगर पहले से ऑलरेडी शॉप है, मतलब जो जो उनको आइटम्स में जाती है वो ले सकते हैं, कम से कम मेंटेन हो सकता है। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं तो माल देखो सर, एक माल लेंगे तभी दुकान भरेंगे, तभी आपके पास 50-60 हजार में काम अपना चालू कर सकते हैं। 50 से 60 हजार रुपए आप लगा के यहाँ से आप सीधा फैक्ट्री आया हूँ और फैक्ट्री से आप अपना माल खरीद सकते हैं और अच्छे खासे दाम पर आप बेच भी सकते हैं। आपने मैंने जैसे कहा 22 रुपए से वैरायटी स्टार्ट है, तो इस पीस को अगर आप लगभग 80 रुपए में भी बेच देते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपका निकलने वाला है।
और दिन के मेरे हिसाब से 300-500 रुपए आप इजीली कर लिया है। बिल्कुल, और ऑनलाइन भी अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल घर से काम करते हैं, बहुत लोग घर से काम करते हैं, उनके पास शॉप नहीं है लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट है या वेबसाइट बना सकते हैं, अमेजन पे डाल सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। बेसिकली आप उसके लिए स्टार्टिंग 15,000 से स्टार्टिंग, आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करेंगे तो 15,000 से आप उनका बच्चे के हमसे 25 रुपए की लगी है उसको आप 80 रुपए में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हो रहे हैं। सर पूरे देश के कोने कोने से हमारी वीडियोस देखी जाती है तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है, घर बैठे मंगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ये बात तो हो गई अब तक स्लीपर्स की। अब आपको मैं सीट्स के बारे में बताने वाला हूँ, आप अगर डायरेक्ट सीट्स परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर सीट्स की बात करूँ सर मैं, अगर क्या क्वांटिटी रहेगी, कितनी क्वांटिटी रहेगी और क्या कॉस्ट पड़ेगी उस चीज के लिए? 10-12 सीटें मतलब एक मिनिमम आपको लेनी पड़ेगी जी, मतलब उसमें हमारा जैसे आपको शीट्स का भी दिखाया नीचे जी, जी कैसे निकल रही शीट्स वगैरह, तो उसमें एक बैच में हमारे 10-12 सीटें निकलती हैं। ठीक है, और वो भी एक कलर में, मतलब ये डबल कलर तो इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा, ये डबल कलर है। ठीक है, तो वो एक कलर में आपको 10-12 सीटें मेंटेन होगी। ठीक है, तो वो आपको लेनी है उस हिसाब से 10-12। एक सीट के अंदर मैं बात करूं कितनी स्लीपर्स निकल जाती है, अगर मैं जेंट्स की बात करूं, जेंट्स की 18-19 जोड़ी, बाकी डिपेंड अपॉन कटर, कटर अगर आपका छोटा है तो ज्यादा भी निकल जाएंगी, ठीक है, बड़ा है तो थोड़ी कम होगी। मतलब आपने एक अंदाजा दे दिया 18-19 जोड़ी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सीट भी खरीद सकते हैं, अगर आपकी कुछ फैक्ट्री है या स्लीपर्स मेकिंग मशीन है यहाँ से आप सीट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैप्स भी ऊपर जो लगाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, किस तरीके के हो गए, भले ही अलग अलग स्ट्रैप्स जो होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, लगभग कितने हिसाब से मिल जाएंगे? 10-12 डिजाइन मिल जाएंगे, 10-12 डिजाइन। ठीक है, एक कोस्ट मुझे उसका भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या कोस्ट पड़ेगी स्टैप्स के? मतलब कि आप 6 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब एक लेडीज की, एक पेयर की, ठीक एक पेयर, और आगे जो जेंट्स है वो 9 रुपए 10 रुपए के बीच, वो डिपेंड करता है क्वालिटी, डिपेंड करता है क्वालिटी और आपका जो स्टाइलिंग चल रहा है ट्रेंड में, बिल्कुल, तो उस अकॉर्डिंगली मतलब आपके, मेरा कहना मतलब ये कि अगर आप अपना काम कोई करना चाहते हैं शुरू, आप मेरे से शीट्स ले सकते हैं, शीट्स के साथ आप स्ट्रैप ले सकते हैं, प्रिंटिंग करके आप अपना उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, कटिंग करके अपने हिसाब से डिजाइन करके अपना नाम प्रिंट करके आप बेच सकते हैं कहीं पे भी। मतलब अगर खुद की फैक्ट्री भी अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये टोटली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीट्स की भी साथ में स्लीपर्स की, मतलब हम डायरेक्ट स्लीपर बना के बेचते हैं और डायरेक्ट आप सीट्स भी देते हैं। रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए, शीट चाहिए, स्ट्रैप चाहिए, वो भी हम मेंटेन करते हैं जी। इफ आपके पास कोई कटिंग का जुगाड़ नहीं है या कटिंग प्रेस नहीं लगा सकते आप लोग, जैसे कोई होता है यार कटिंग प्रेस के लिए पैसे नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप मेरे से हम सोल भी कटिंग करके देंगे उसके। अच्छा, सोल मतलब हम बिना अगर स्ट्रैप्स के लेना चाहते हैं? हाँ, मतलब हम आपको जो जो सा भी आप शेप बेसिक कटिंग के अंदर आप दे देंगे, मतलब हाँ बेसिक कटिंग के अंदर दे देंगे आप स्ट्रैप लो और कटिंग करके अपना बेच सकते हैं, मतलब यहाँ से हर चीज पॉसिबल है। स्ट्रैप्स लेना तो स्ट्रैप्स मिल जाएगा, सीट लेनी तो सीट मिल जाएगी, और बिना स्ट्रैप के अगर आपको सिर्फ कटिंग वाली चाहिए तो डिजाइन वो भी आपको मिल जाएगा, हर चीज पॉसिबल है यहाँ से। और जो कोस्ट के अंदर ये आपको दे देंगे वो शायद आपको कोई और ना दे पाए, क्योंकि मोस्टली जहाँ भी मैंने शूट किया है वहाँ पर आपको सीट्स नहीं अवेलेबल करवा पाते, क्योंकि सीट्स का जो रॉ मटेरियल है वो भी यही बनाते हैं। नहीं, रॉ मटेरियल मतलब जो हम चप्पल का रॉ मटेरियल बनाते हैं। हाँ हाँ, रॉ मटेरियल मतलब जो सीट्स तैयार होती है वो भी आप ही तैयार करते हैं। आपने वीडियो में देखा ही है? कोई विजिट करना चाहता है सर आपके फैक्ट्री पर तो किस तरीके से आ सकता है? सर एक तो अगर दिल्ली से बाहर से आ रहा है तो नरेला में ही एक मंडी, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है नरेला मंडी के पास, वहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है। ठीक है, बाय ऑटो आ सकते हैं, बाय ऑटो या बाय कैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली है नोएडा साइड पे या कहीं पे भी, तो वहाँ बाय मेट्रो जहांगीरपुरी सबसे नियरस्ट, जहांगीरपुरी हाँ जी, वहाँ से 15-20 मिनट आधे घंटे। ये सेक्टर जी पड़ेगा? ये सेक्टर नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक से, ब्लॉक से जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक पड़ेगा। बाकी मैंने इनका एड्रेस डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, फुल डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।